बड़ी ठंडा हो, हो बड़ी ठंडा क्या हो गया भाई बाहर ठंड बढ़िया बहुत ठंडे तो कनाडा में नया आया बस दो दिन हुए तो आपको यहाँ की टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं पता टिप्स एंड ट्रिक्स की जैकेट जैकेट नहीं जी ये फोन पकड़ो मेरा मैं आपको बताता हूँ अगर आप नए आए हो ना तो आपको कुछ नहीं करना बस स्टॉप पे यहाँ पे ये लगे हुए हैं हीटर अच्छा इसको दबाओ और यहाँ देख लो आपके हीटर और बाहर ये ना ठंड के ड्रामे मत करना अब अंदर आके हीटर में खड़े होना ओमान में अगर आप हैं अगर में आप छुट्टी जाना चाहते हैं या आप फिनिश जाना चाहते हैं या आपको कंपनी टर्मिनेट कर दी है या आप ओमान में विजिट वीजा पे हैं मार्केट करके जा रहे हैं तो ओमान में जितने भी वर्कर इंडिया आने वाले हैं आप लोग के लिए बड़ी अपडेट आई है कि ओमान में जितने भी इंडिया जाएंगे तो वहाँ से आपको मोबाइल टार्च लैपटॉप ले, आपको उसके बाद जो है कार्टून में जो सामान पैकिंग करके लेके जाते हैं उनके लिए अपडेट आई है तो इसी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए क्योंकि मैं आज की वीडियो में आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ क्योंकि आप लोग अगर ये सामान लेके जाते हैं तो एयरपोर्ट पर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है और होती भी है तो इसी जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहेगी हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात कि अगर आप ओमान में हैं चाहे आप वर्क वीजा में हैं चाहे आप फ्लेक्सी वीजा में हैं चाहे आप विजिट वीजा में हैं तीनों के लिए तीनों वीजा में अगर आप कोई भी सामान ओमान कंट्री से लेके जाते हैं अपने इंडिया चाहे मुल्क कोई भी कहीं भी जाते हैं तो तो आपको जो है मतलब कि सबसे पहले बात अगर टॉर्च लेके जा रहे हैं तो टॉर्च भी लेके जा रहे हैं तो उसके पास उसका जो है आपके पास बिल होना लाजिम है अगर आपके पास बिल नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल आ सकता है बहुत चीज़ों का सामना भी करना पड़ सकता है आपको उसको फेंकना भी पड़ सकता है तो इसीलिए टॉर्च भी लेके जा रहे हैं तो उसका भी बिल साथ में लेके जाइए उसके बाद अगर मोबाइल लेके जा रहे हैं नया मोबाइल है आपके पास न्यू मोबाइल आपने ओमान कंट्री से खरीदा है और आप उसको ले कर जाएँगे तो उसका भी बिल आपके पास होना लाजिम है अगर बिल नहीं है तो वहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ सकता है आपको मतलब को जो भी उनके पास कार्रवाई होगी वो लोग अपना कार्रवाई करेंगे अगर आप लैपटॉप लेके जा रहे हैं तो लैपटॉप में आप नया लैपटॉप ले लिए हैं और आप इंडिया जा रहे हैं तो आपको इंडिया के एयरपोर्ट पे आपको कस्टम विभाग जो है आप आपसे बिल मांगेंगे आपसे बिल मांग सकते हैं तो इसीलिए उसका भी बिल साथ में लेके जाइए और हो सके तो उसमें कुछ जो है आप कोई भी मूवी वूवी चाहे कोई भी डाटा आप उसमें अपलोड करें ताकि आप बोल सके कि ये नया लैपटॉप नहीं है मैंने इस पर तीन चार महीना वर्क किया है ओमान कंट्री के अंदर में ये नया नहीं है ऐसे करके आप उसमें कुछ डाटा वाटा डाल लीजिए ठीक है उसके बाद आप मतलब कि मेरा मानना यही है कि अगर आप छोटा सा छोटा सामान लेके जा रहे हैं चाहे बड़ा से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक में तो उसका बिल आपके पास होना चाहिए ये आज की अपडेट है आपके पास उसका बिल होना चाहिए उसके बाद अगर आप ओमान में हैं और कार्टून में सामान पैक कर रहे हैं पहले क्या होता था कि लोग कार्टून में सामान पैक करके लेके जाते थे लेकिन अभी जो है ऐसा रूल्स ख़त्म हो गया है आपको कार्टून में सामान पैक करके नहीं लेके जाना है आपको कार्टून में सामान पैक करके ले जाते हैं एयरपोर्ट पे तो आपको कार्टून जो है पहले कहता था कि लोग कार्टून में पैक करते थे रस्सी उसी से पूरा रेपर ऊपर करके रस्सी से बांध देते थे लेकिन उस आप ये मत करें क्योंकि वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको कार्टून खोलना पड़ सकता है रस्सी काटना पड़ सकता है बहुत तेम झाम हो जाएगा अगर चेकिंग करने के लिए अगर चेकिंग करना पड़ा तो आपको तो लाजिम है कि उसको खोलना पड़ेगा अब खोलने के बाद उसको बांधने में कितना मुश्किल होता है ये आप ही को मालूम है तो इसलिए कार्टून में भी सामान ले मत जाइए क्योंकि आपके लिए सही नहीं है लेके सामान जाना है आप बैग में लेके जाइए कोई मुश्किल नहीं है आप आराम से बैग खोल के भी वो तो म, वहाँ पे एयरपोर्ट में मशीन होता है आराम से चेकिंग हो जाता है अब क्यों क्यों कार्टून का सामान जो है बैन कर दिया गया है मालूम नहीं है लेकिन हमको नहीं लगता कि बैन करना चाहिए लोग क्योंकि कार्टून में ही सामान ले जाते थे लोग तो अच्छे से चला जाता था लेकिन अभी बैग में ले जाना मुश्किल कोई भी सामान लेके जाना बैग में बहुत मुश्किल है तो चलिए दोस्तों मैंने सारी अपडेट आपको दे दी है इस वीडियो में तो जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि आपका भाई और भी अच्छी तरीके से आपको ओमान कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल में जो है पासपोर्ट रिलेटे, से रिलेटेड वीज़ा से रिलेटेड और तमाम जानकारी जो है ओमान कंट्री के बारे में और भी सारी कंट्री के बारे में जानकारी दी जाती है आपको ओमान कंट्री में कैसे आना है ओमान का वीजा अप्लाई कैसे करते हैं सारी जानकारी आपको इस चैनल में दी जाती है तो इसीलिए जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक जरूर कीजिएगा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए देखिए छोटा सा चैनल है आप लोग के सपोर्ट से ही हमको मोटिवेट मिलेगा इसीलिए मैं और भी अच्छी तरीके से आपको वीडियो बना के दूंगा और नया नया अपडेट जो भी आएगा ओमान कंट्री से आप लोगों में हमेशा भेजता रहूंगा तो इसीलिए जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो चलिए मैं वीडियो को स्वागत करता हूं जय हिंद जय भारत